जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम आपको आप जो ये हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन देख रहे हैं, आज इसके विषय में कुछ बतलाएंगे। तो चलिए एक बार इसका चारों तरफ से लुक देख लीजिए, ये किस तरह से बना हुआ है। और साथियों, ये मशीन हमारे यहाँ खुद बना हुआ है, बनता है, जिसमें कि ऐसा ऐसा दो मशीन हम एक साथ तैयार किए थे और दो में से एक मशीन मेरा एक कस्टमर लेके चला गया और एक मशीन मेरे पास बचा हुआ है। तो हम सोचे चलिए शायद आप लोगों के सामने हम इसका वीडियो बना करके डाल देते हैं, ताकि अगर आप लोगों को इस प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन चाहिए तो आप हमसे खरीद सकते हैं। तो साथियों, इसका एक एक विशेषता बतलाऊँगा और इसका सारा खूबी बतलाऊँगा। और देखिए, हमारे यहाँ जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा वह काफ़ी सक्सेसफुल और हैवी मिलेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पे हर एक प्रकार की जो भी जुगाड़ वगैरह बनता है, मशीन वगैरह बनता है, तो हम आप लोगों को बतलाते हैं। तो सबसे पहले इस हाइड्रोलिक प्रेशर की जो मेन चीज़ होता है, ये जो हाइड्रोलिक होता है, तो हाइड्रोलिक की बात कर लेते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं इसमें 10 टन यानी कि 10 टन प्रेशर का जो ये हाइड्रोलिक जक होता है वह लगाया गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी क्वालिटी और अच्छा और मजबूत और काफ़ी मोटी ताजी हाइड्रोलिक है इसमें लगा हुआ। और इस पंप की बात कर ले दोस्तों, तो यह पंप काफ़ी ही अच्छा होता है, आप सर्च करके भी देख लीजिएगा। तो इसमें यह अलग से हम लोग जो 10 टन का लगाए हुए हैं, तो काफ़ी पावरफुल है। और साथियों, चलिए अब इस हाइड्रोलिक प्रेशर की सबसे पहले वजन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो वजन है दोस्तों, समथिंग 30 किलो के आसपास है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हैवी मोटी इंगल का हमने इस्तेमाल किए हैं, जो कि काफ़ी ही मोटी है और काफ़ी लाइट वेट है, यानी कि काफ़ी मजबूत है, जिसपे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा भी प्रेशर पड़ेगा तो ये टूटेगा नहीं। और ये सब भी आप देख लीजिए साथियों, इसका थिकनेस देख लीजिए कि ये कितनी मोटी है, आप लोग को यहीं से अंदाज़ा लग जाता है। देख सकते हैं कि इसका कोर से आपको पता चलेगा कि ये कितना मोटा है। और ये काफ़ी हैवी है क्योंकि इसका 30 किलो वेट है। और इसका नीचे भी पैर देख लीजिए आप, एक ही सिंगल का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी मोटा है, यानी कि ये पैर, ये सब एक ही सिंगल है, जो कि काफ़ी हैवी है और काफ़ी ताकतवर है। इस पर अगर आप 20 टन का भी प्रेशर मारिएगा तो ये नहीं दबेगा, नहीं टूटेगा। और साथियों, आप देख सकते हैं इसको जो ये लेकर के चलता है, ये भी काफ़ी हैवी है। और ऊपर की भाग सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, तो वह भी है। सबसे खास बात साथियों इस हाइड्रोलिक प्रेशर में, कि वेल्डिंग का एक भी काम नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो भी है सभी नट बोल्ट के जरिए है। और नट बोल्ट भी साथियों ऐसा कि काफ़ी हैवी, क्योंकि जल्दी दबे ना और टूटे ना। आप देख सकते हैं बोल्ट दर बोल्ट है, आप देखिए इसमें काफ़ी हैवी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया और एक साथ दो दो नट बोल्ट का हम लोग इस्तेमाल किए हैं काफ़ी सेफ्टी के साथ। और दोस्तों, दूसरे में आप देखे होंगे चैनल घसकाने वाले में कि एक साफ रख दिया जाता है, उस पर ये दोनों को रख दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से हमने इसमें नट बोल्ट का ही इस्तेमाल किए हुए हैं, ताकि इसको खिसका करके एडजस्ट करें और काफ़ी दबाव भी झेल सके ये। तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे भी मिल जाता है, आपको इस चैनल को जितनी दूरी में कवर करना हो कर सकते हैं। और देखिए स्प्रिंग भी साथियों काफ़ी हैवी है, आपका जल्दी मतलब खड़ा भी नहीं होगा। और स्प्रिंग जो जिसमें लगता है उसमें भी वेल्डिंग नहीं है, सभी नट बोल्ट की बुंदिया लगा करके दी गई है। अब चलिए मैं और एक खास चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ आप देख लीजिए जहाँ पे हाइड्रोलिक प्रेशर ऊपर की तरफ दबाव डालेगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं एक मोटी सीट का कटिंग करके बीच में थोड़ा सा गैप बना करके इसका जो ये माथा होता है हाइड्रोलिक प्रेशर का, इसको एडजस्ट किया गया है। और साथियों आप देखिए, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ये जो दबाव डालता है, तो ये भी काफ़ी हैवी है, आप देख लीजिए। और ये कोई पाइप नहीं है साथियों, ये काफ़ी हैवी लोहे का है, मतलब काफ़ी मोटी लोहे का हमने इसमें दिए हुए हैं, ताकि ये मतलब जल्दी ख़राब ना हो। और साथियों इसमें ऑप्शन है कि आप इसको खोल भी सकते हैं, इसको गुना पे अटैच किया गया है, ताकि ये भी खोल करके आप रख सकते हैं।
और इसका हर एक जगह आपको नट बोल्ट मिलेगा। तो चलिए अब इसका हम थोड़ा सा प्रेसिंग करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से इस पंप को आप इसके ज़रिए लॉक कीजिए। देखिए इसमें सारा सिस्टम दिया हुआ है, आपको अलग से कुछ भी नहीं लेना होगा। तो लेना क्या होगा साथियों, जब आप फैन उनका कोई भी चीज़ खोलिएगा तो उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। अगर साथियों आप हमसे बनी बनाई ख़रीदते हैं तो मैं इसका रेट वगैरह भी आपके सामने शेयर कर दूंगा। और ये काफ़ी अच्छी और टिकाऊ मजबूत है। सबसे पहले आपको यहाँ से इसका लॉक करना है ताकि एयर इसके अंदर भर सके, जो कि सभी हाइड्रोलिक प्रेशर में होता है। आप देखिए दबाव डालते ही मेरा पंप नीचे की तरफ चल चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी आपको फेक जानकारी नहीं मिलता है, जो भी मिलता है एकदम 100% सॉलिड मिलता है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ से इसका जो है सो हवा को आप खोल दीजिए। देखिए पंप ऊपर चला गया, फिर इसको आप टाइट करके रखिए। अब चलिए साथियों इसको इसमें अब होता क्या है कि आपको जो भी चीज़ खोलना होगा आप इसके नीचे रख करके इसमें फैन का सापट खोल सकते हैं। और साथियों ग्लेंडर कटर A to Z बैरिंग वगैरह जो भी खोलना हो सारा चीज़ खोल सकते हैं। आपको इतना मशीन बना करके दिया जाता है और काफ़ी हैवी है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए साथियों यहाँ मेरा नंबर वगैरह दिया हुआ है, आपको अगर ख़रीदना हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। ये मेरा मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन चैनल का नेम हो गया, तो आप देख सकते हैं। तो आगे साथियों हम इस पर किसी चीज़ को खोल करके भी दिखाएंगे। तो अगर इस प्रकार की हाइड्रोलिक प्रेशर की आपका कोई भी रिक्वायरमेंट हो या ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको ये हाइड्रोलिक प्रेशर बनी बनाई दे देंगे। लेकिन साथियों ये कुरियर से नहीं, ये ट्रांसपोर्ट से जाएगा, क्योंकि काफ़ी वजन होता है और ट्रांसपोर्ट का खर्च आपका लगेगा। अगर इसका रेट वगैरह जानना हो तो आप हमें कॉमेंट करें या दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, आप लोग को हमारे यहाँ से मिलेगा। तो साथियों एक्चुअली हम जो हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन अपने यहाँ बन के तैयार हुआ था, जिसमें से कि एक हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन बनते ही चला गया, यानी कि कोई कस्टमर का डिमांड था वो लेके चला गया। लेकिन ये हाइड्रोलिक प्रेशर मेरे पास है तो आप लोग को मैं इस हाइड्रोलिक प्रेशर के विषय में बतलाता हूँ, क्योंकि साथियों ये सबसे हैवी और काफ़ी पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेशर बनाए हुए हैं। और इस हाइड्रोलिक प्रेशर का दोस्तों खासियत काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग मार्केट में और सब हाइड्रोलिक प्रेशर देखे होंगे तो ऐसा ज़बरदस्त हाइड्रोलिक प्रेशर आपको नहीं मिलेगा, और वह भी साथियों कम और किफ़ायती रेट में। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा नज़दीक से इसका थोड़ा एक झलक दिखाता हूँ। तो जैसे कि साथियों देख रहे हैं कि ये हमारे मिस्टर बजरंगी टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल का लोगो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नंबर चल रहा है। अगर आप लोग को अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो इस हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन के संबंधित तो आप हमें दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक फीचर बताता हूँ। ये जो साथियों आप देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी है, और नीचे वाले भी आप देख सकते हैं, इसका थिकनेस देख लीजिए कितना मोटा है, ये भी देख लीजिए ये भी मोटा है। और सारा जितना भी इसमें पार्ट्स लगा हुआ है सभी काफ़ी हैवी है, और आप लोग इधर से भी इसका थिकनेस देख लीजिए, ये काफ़ी मोटी है। और दोस्तों इसमें जो हाइड्रोलिक टन लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, 10 टन का हाइड्रोलिक प्रेशर जक लगा हुआ है, जो कि काफ़ी पावरफुल और काफ़ी मोटी और हैवी है, और अच्छी कंपनी का ये हाइड्रोलिक प्रेशर हम लोग दिए हुए हैं, यानी कि हाइड्रोलिक लगाए हुए हैं। तो चलिए साथियों अब मैं आपको बताता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ भी साथियों काफ़ी हैवी वेट का ये बना करके दिया गया है, ताकि ऊपर से जो आप प्रेस कीजिएगा तो नीचे ये आराम से किसी भी चीज़ को धकेल सके, निकाल सके। और यहाँ पे भी देखिए जग सेट करने के लिए हमने काफ़ी अच्छा चकड़ी लगाए हुए हैं, ऊपर देखिए 2 बोल्ट है और काफ़ी हैवी स्पीडिंग भी दिया हुआ है। तो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ इधर से इसका क्या खासियत किया गया है, कि इसमें साथियों थोड़ा सा कटिंग किया गया है और इसके ऊपर जो हाइड्रोलिक का ये भाग होता है ये सट जाता है। और देखिए सभी पार्ट खुलने वाला है साथियों, आप जहाँ भी देख रहे हैं सभी में नट बोल्ट यूज किया गया है। आप देखिए इधर भी डबल नट बोल्ट और काफ़ी हैवी, इधर भी
और इसके अंदर भी डबल नॉट बोल्ट हम लोग लगाए हुए हैं। और देख लीजिए ये भी साथियों कोई वेल्डिंग नहीं है, ये भी नट बोल्ट के जरिए ही है, ऊपर से भी नट बोल्ट के जरिए है। और देखिए ये काफ़ी पावरफुल है। अभी मैं थोड़ा जैक को आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, क्योंकि साथियों जैक काफ़ी लंबा है, इसलिए वीडियो शूट करने में थोड़ा दूरी से ही आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए इस पंप को सबसे पहले साथियों यहाँ से इसको कसना होगा। आप कस दीजिए, देखिए हम कस रहे हैं। और कसने के बाद साथियों इसको आप नीचे लाइए, देखिए ये काफ़ी साथियों पावरफुल है। आप जग की भी क्वालिटी देख सकते हैं कि कोई भी फेक जग नहीं लगाया गया है जो एक ही बार में दम तोड़ देगा। आप देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे चल चुका है। तो अभी साथियों इसमें कुछ हम खोल नहीं रहे हैं, इसलिए आपको साधारण तौर पर दिखा रहे हैं। तो चलिए इसका एयर निकालते हैं, देखिए एयर निकला और ऊपर जग चला गया आराम से। अब देखिए साथियों इसमें जो चेंजर सिस्टम दिया गया है, तो आप निचले भाग यहाँ तक साथियों इसका यूज में ला सकते हैं, ऊपर भी है आपकी, यानी कि जिस भी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट हो उस प्रकार से आप इसको